रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी की बम धमाके में मौत हो गई। धमाका शनिवार 20 अगस्त देर रात हुआ। दायरा दुगिन मॉस्को में आयोजित एक म्यूजिक प्रोग्राम से घर वापस लौट रही थी। हालांकि धमाका कैसे हुआ और इसके पीछे किसका हाथ है, इस बात की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दायरा के पिता अलेक्जेंडर दुगिन टारगेट थे, क्योंकि इस कार में वे ही बैठने वाले थे। अचानक उन्होंने इसमें न बैठने का फैसला लिया। अलेक्जेंडर दूसरी गाड़ी में सवार थे। गाड़ी दराया की गाड़ी के ठीक पीछे चल रही थी। अलेक्जेंडर दुगिन को व्लादिमीर पुतिन का ब्रेन कहा जाता है। 20 साल की दायरा पेशे से पत्रकार थी। यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के समर्थन में थी। इसके सपोर्ट में उन्होंने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी किए थे। यूक्रेन हमले का मास्टरमाइंड दायरा के पिता अलेक्जेंडर को माना जाता है। यूक्रेन पर लगे हैं दराया पर हमले के आरोप। टाइम्स नानो भारत डिजिटल की रिपोर्ट।